बच्चों तो कैसे हैं आप सभी आशा करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों आप सभी का कटाफ कितना जाने वाला है चाहे वो जर्नल की हम बात करें या फिर ओबीसी की बात करें या फिर एससी या फिर एसटी ठीक है क्या कटाफ होने वाली है ये सभी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है और यह एक अनुमानित मैं आपको आंकड़ा बताने जा रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ठीक है देखिए यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज पूरा समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों रूलर कैटेगरी के हिसाब से रूलर एरिया के हिसाब से अर्बन एरिया के हिसाब से ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर देखिए मेरिट लिस्ट की हम बात करें तो देखिए कैटेगरी वाइज और आपका एरिया के हिसाब से यहाँ पर बनता है ठीक देखिए जैसे हम बात करें कैटेगरी जनरल कैटेगरी की बात करें ठीक है यानी जनरल कैटेगरी से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं और आपका एरिया रूलर है यानी कि ग्रामीण इलाका से आप भरे हैं रूर का मतलब होता है ग्रामीण और अर्बन का मतलब होता है आपका शहरी ठीक है तो शहरी और ग्रामीण में अंतर होता है मेरे प्यारे बच्चों ठीक है शहरी के लिए अलग कटाप बनता है और ग्रामीण के लिए आपका अलग कटाब बनता है ठीक है याद रखेंगे इस चीज़ को और कैटेगरी वाइज भी आपका कट ऑफ अलग से बनता है ठीक तो देखिए जैसे कि यदि आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपका जो घर है वो रूरल एरिया से है तो उसके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है वो तिरानवे से पंचानबे ठीक है ना तिरानवे से पंचानवे नंबर के बीच यदि आप ला रहे हैं तो आपके लिए यह जो है सेफ जोन माना जाएगा ठीक है यानी कि 93 से 95 के बीच में है तो आपके लिए बेहतर स्कोर ये है ठीक है और यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका एरिया अर्बन एरिया है तो 95 से 98 के अंदर आप ला रहे हैं तो ये आपके लिए बढ़िया एक स्कोर रहेगा ठीक है सेफ जोन रहेगा आपके लिए वही हम बात कर ले ओ की तो ओ की कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपका एरिया रूरल एरिया है ठीक है तो 89 से 90 तक के बीच नंबर ला रहे हैं तो आपके लिए ये सेफ़ जोन होगा ठीक है आपके लिए क्या होगा एक सेफ जोन होगा और यही हम बात करें ओ कैटेगरी से हैं और आपका एरिया जो है वो अर्बन एरिया है तो 90 से 92 यदि आप ला रहे नंबर तो आपके लिए ये सेफ़ जोन हो जाएगा ठीक इसके बाद हम बात करें एस कैटेगरी की तो पचासी से सतासी नंबर के बीच ला रहे हैं और आपका एरिया रूरल एरिया से है यानी कि गांव से आप बिलोंग कर रहे हैं और आप पचासी से सतासी नंबर के बीच ला रहे हैं तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा एक सेफ जोन हो जाएगा वही हम बात कर लें एस कैटेगरी से हैं और आपका एरिया अर्बन एरिया है तो आप सतासी से नवासी नंबर के बीच ला रहे हैं तो आपके लिए यह एक सेफ़ जोन होगा ठीक है ओके इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे एस कैटेगरी को देखते हैं देखिए एस टी कैटेगरी है आपका और आपका एरिया यानी कि गांव से बिलोंग कर रहे हैं रूरल एरिया है तो बयासी से चौरासी नंबर यदि आप ला रहे हैं तो आपके लिए सेफ जोन होगा वही हम बात करें एस सी कैटेगरी के हैं और आपका एरिया अर्बन एरिया है ठीक है शहरी इलाका से बिलोंग कर रहे हैं तो चौरासी से छियासी नंबर के बीच यदि आप ला रहे होंगे अपने एग्जाम में स्कोर किए होंगे तो आपके लिए ये सेफ जोन होगा ठीक है और देखिए ये मैं आपको बता दे रहा हूँ अगेन यह एक अनुमानित आंकड़ा है ठीक है मेरे प्यारे बच्चों अनुमानित यह आंकड़ा है यानी कि यह या एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बताया हूं हो सकता है दो चार नंबर या पांच नंबर इधर घट जाए या फिर बढ़ जाए दो तीन नंबर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है तो यह जो है एक अनुमानित आंकड़ा है ठीक है इससे आप अपना अंदाजा लगा लीजिएगा कि, कि कितना नंबर ला रहे हैं कि कितना नंबर मतलब कि आप एग्जाम में लाए हैं स्कोर किए हैं उसके हिसाब से आप अपना मिला लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों ठीक है तो आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों